दोस्तों, अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, एक न्यूज़ आ रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं तो आपका कार्ड जो है निरस्त कर दिए जाएंगे और आपके नाम पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एकदम लेटेस्ट न्यूज है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करना पड़ेगा, महंगा 31 मार्च के बाद निरस्त हो जाएंगे 18 करोड़ कार्ड। यानी कि दोस्तों आप अगर अभी तक अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं किए हैं आधार कार्ड तक, तो 31 मार्च तक आपका पैन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों केंद्र सरकार लगातार आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाती आ रही है। अब आयकर विभाग कार्रवाई के मूड में है और 31 मार्च की समय सीमा तक आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करने के कारण अब करीब 18 करोड़ पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है 31 मार्च तक, मतलब इसका पहले ही डेट इसका ख़त्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर से डेट बढ़ा दिया था पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए। लेकिन बहुत कोई ऐसा है कि अभी तक उसका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कर पाया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर समय मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 31 मार्च तक इसका समय सीमा को बढ़ा दी गई, 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके बीच भी अगर आपने अपने पैन कार्ड को अभी तक अगर आपने लिंक नहीं किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दो विभागीय अधिकारी से नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि अब आयकर विभाग आर्टिफिशियल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेंस है, इसीलिए कई पैन कार्ड को उपयोग करके उच्च मूल्य के लेन देन का संचालन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों आपके साथ जो है कार्रवाई भी हो सकती है, यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपके साथ कार्रवाई भी हो सकती है। उसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि सरकार उन बेईमान लोगों के खर्चों के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए उच्च मूल्य के लेन देन की सूची का विस्तार कर सकती है जो विलासिता पर बड़ी रकम खर्च करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर उन लोगों के लिए एक, मतलब केंद्र सरकार ने बताया है कि जो बहुत बड़े खर्च करते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि उन बेईमान लोगों के कि अभी तक उसने अगर अपना पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो उसमें टैक्स से बचने के लिए वो लोग ऐसे करते हैं, तो उनके लिए सबक सिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं केंद्र सरकार। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सरकार ने बताया कि आधार से अब तक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सरकार ने बताया कि आधार से अब तक 32.7 करोड़ पैन कार्ड लिंक हो चुके हैं 29 जून 2020 तक। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 50.95 करोड़ पैन कार्ड अलर्ट किए गए हैं, यानी कि जो अभी तक अपना पैन कार्ड को अभी तक मतलब लिंक नहीं किए हैं उनको अलर्ट भी कर दिया गया है। यानी कि अब भी 18 करोड़ से ज़्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि अभी भी जो पैन कार्ड है, 18 करोड़ पैन कार्ड अभी भी आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे में देख सकते हैं, मालूम हो कि सरकार द्वारा आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तय की गई है। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं तो लिंक कैसे किया जाता है, मैं वीडियो बना है, मेरे वीडियो देख के आप अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।